बात करो रियली वल्लाही यू नो आई एम लाइक वी जस्ट ऑन द सेम पेज ओके सबसे पहले रोल सबसे पहले तो सना आपसे जानना चाहूंगी कि आज के आउटफिट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी आप कितनी एक्साइटेड ऑफ कोर्स जैसे कि आप सब जानते हैं हम यहां अर्चना कोचर के लिए है एंड शी इज presenting such amazing collection today and such amazing look and I'm so happy ki main unki ek bride ban saki and I'm wearing a typical bridal outfit I think har kisi ke liye aap kabhi kabhi aap bahut sare sundar kapde pehen lete ho but jab aap aise attire mein rehte ho logo ko lagta hai na yahi bride hai you know wo ek bride ka ek trademark hai jaise har kisi ka ek trademark hota hai so I think I'm very happy upar se jo meri entry hui hai which was amazing like you know when Archana told me only ke hum aapko is tarike se stage pe enter karne wale I was like wow you know to I always jab main award functions mein jati thi na you know ab dekhte ho actors yahan se aa rahe wahan se aapko aisa lagta hai ki yaar mujhe bhi aisi kuch karna hai you know like for anything but you know I want to do that so when you get that for a stage performance like especially for a fashion show I think that was amazing and I think dulhan ko itni hi respect deni chahiye wo kisana jaise ki humne dekha ki kafi alag tarike se aapne entry mari hai is stage pe तो कितना मुश्किल था डर नहीं लगा आपको करने ऑफ कोर्स डर लगता है स्पेशली मैंने रिहर्सल भी करी थी तो डर नहीं था बट तभी तो हम खुद के कपड़ों में करते बट जब आप एक लहंगे में आते हो तो लहंगा इतना हैवी हो जाता है प्लस इतना सारा आपके सर पे वेट होता है फिर आपको बैठ के बेल्ट बांधना होता है फिर आपको लगता है कहीं मैं मतलब जो पोजिशन था उससे उठूँगी तो क्या मेरा लहंगे का फॉल बराबर आएगा मैं ट्रिप ना हो जाऊँ आउट ऑफ बैलेंस तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है बट देन ऑफ कोर्स अगर आप ट्रिप भी करो तो लोग आपकी फीलिंग्स को समझते हैं आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई डोंट वॉन्ट ट्रिप आई थिंक ये हर किसी के आई थिंक हर किसी के दिमाग में यही एक डर होता है हर एक एक्टर के इवन मॉडल्स के कि यू नो हम ट्रिप ना करें बिकॉज आप अदरवाइज यू नो एक वो होता है ना हम सोचते हैं अदरवाइज हम इतना नॉर्मल चलते हैं जैसे हम स्टेज पर चलते हैं हम गिरने के लग जाते हैं और इतने सारे लोग जब आपको प्रॉपरली देख रहे हैं सो आई थिंक वो एक फियर रहता ही है यू नो इररिस्पेक्टिव जी उसके आगे उसके ऊपर कुछ काम भी है वेल ऑब्वियसली जैसे कि आप देख रहे हो प्रॉपर ब्राइडल लुक है एक प्रॉपर जड़ाऊ बिग नेक पीस है ज्वेलरी है और हम लोगों ने मैंने और अर्चना ने डिसाइड किया था कि लहंगा अगर रेड है तो हम ज्वेलरी को एक कॉन्ट्रास्ट कलर देना चाहते हैं ताकि ड्रेस और उठ के आए और ज्वेलरी भी और उठ कर आए सो आई थिंक दैट्स द रीज़न वी चोज ग्रीन कलर है ना जैसे आप देख रहे हो मैंने चूड़ी भी ग्रीन पहनी है अदरवाइज लोग गोल्ड या रेड पहनते हैं इट्स एवरीबडीज ओन चॉइस बट देन आई लव रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन सो या आई थिंक आई डोंट नो मैं इतना शर्मा रही हूँ ना आज की कुछ आई थिंक ये लुक का इफेक्ट है बट देन आई थिंक इट्स वेरी नाइस आई थिंक हम नॉर्मली भी करते ही है एंड वेन यू वॉक एज अ ब्राइड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल थोड़ा सा हट के सवाल है सर वन बैड हैबिट यू हैव एंड यू वांट टू चेंज
One bad habit that I want to change is I want to start waking up early. I really push myself to wake up early. And फिर मैं खुद मेरी मॉम को कहती हूँ मैं उठ के क्या करूँ, मैं पूरा दिन इतना लंबा हो जाता है, इट्स वेरी टफ. तो आई थिंक जब तक हम मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं है या इफ़ आई एम वर्किंग देन आई वेक अप अर्ली एंड आई एम ऑन टाइम और मैं सोती हूँ टाइम पे, बट देन अदरवाइज मैं थोड़ी सी लेट लतीफ हूँ. तो आई जस्ट होप कि मेरा एक वो चीज़ चेंज हो जाए.